वेलकम टू द चैनल। अभी मैं आपके साथ मैं और हमारे नौसाद सर जो कि ये भी एक एचएससी प्रोफेशनल हैं, एचएससी ऑफिसर हैं, ठीक है। तो अब आज मैं बताने वाला हूँ लेडर सेफ्टी के बारे में कि जो प्रैक्टिकली लेडर कौन कौन सा यूज होता है साइड पे, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, कि इतने टाइप्स का लेडर होता है। जैसे आपको बताया जाता है कि स्ट्रेट लेडर होता है, स्टेप लेडर होता है, एक्सटेंशन लेडर होता है, हुक लेडर होता है, फोल्डिंग, टेलोस्कोपिंग, मतलब हज़ार तरीके का बताएंगे आपको कि इतना तरह का लेडर होता है। बट जेन्युइनली साइड पे कैसा लेडर यूज होता है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द लेडर कौन सा यूज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। ओके, लेट्स सी। चलो चलिए, देखिए ये जो लेडर है ये सिंगल फुल लेडर है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। इसका जो एंगल है ये, इसका एंगल है 60%। ये 60 डिग्री पे ये लगा हुआ है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में बताया जाता है कि 75% डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 60 डिग्री पे है तो क्या यहाँ पे हम लोग काम नहीं करने देंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? तो 60 डिग्री है इसलिए कि देखिए जहाँ पे जगह कैसा है, एक्सेस कैसा है, ये बहुत मैटर करता है कि एक्सेस कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सेस हम लोग लेडर को बैठाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कि अगर हमारे पास एक्सेस नहीं रहेगा तो हम 75% में कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर कोई बता रहा है आपको कि 75% पे लेडर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो डैट इज़ राइट। बट आप साइड पे आकर के जिद नहीं कर सकते हो कि अगर ये लेडर 75 डिग्री पे नहीं है तो आई विल नॉट अलाउ द वर्क, ऐसा नहीं है गाइस। अकॉर्डिंग टू एक्सेस, अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी हम लोगों को फॉलो करना होता है। इसके बाद ये जो आपको स्कैफोल्डिंग दिखाई दे रहा है, उस लेडर के साथ साथ ये हमारा रेड और ग्रीन टैग, ये रेड टैग जब हम लोग लेडर लगाते हैं तो ये रेड टैग ज़रूरी है। उसके बाद ये रेड टैग, देन आप देख सकते हो ये रेड टैग, दूसरा हमारा है ये ग्रीन टैग, जो कि ग्रीन टैग ही बनने के बाद से ग्रीन टैग लगाना है मैंडेटरी है। अगर ग्रीन टैग नहीं है तो आप उस लेडर को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से इसका ड्यू डेट है, इसका एक डेट कितने दिन के, एक हफ्ते के लिए है ना, सेवन डेज, ये सेवन डेज के लिए वैलिड होता है। सेवन डेज के बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो गाइज ये मैं आपको और कुछ लेडर दिखाता हूँ, लेट्स सी। ये लेडर जो है हमारा लगा हुआ है 75 डिग्री पर लगा हुआ, जो कि एक्यूरेट है, ठीक है, ये लेडर को आप देख सकते हो। और गाइस और क्या बताया जाता है कि जो हमारा टॉप फ्लोर है वहाँ से वो लेडर को 3 मीटर 4 मीटर ज़्यादा निकलना चाहिए। अगर मान लीजिए वहाँ पे वो कटपिट है, वहाँ पे कटआउट है, तो वहाँ पे ऊपर निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस जहाँ पे ओपन एरिया ना हो, वहाँ पे क्लोज एरिया हो, जैसे मैं आपको एक लेडर दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे कटआउट नहीं है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कटआउट नहीं है, यहाँ पे कोई ओपन एरिया नहीं है, तो यहाँ पे टॉप फ्लोर से लेडर 4 मीटर और 3 मीटर हाइट कैसे ऊपर जा सकता है, सोचिए। अगर आप ऐसा साइड पे आकर के झगड़ा करते हैं या फिर आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं मैंने पढ़ा है कि टॉप फ्लोर से ये लेडर जो है 3 मीटर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 1 मीटर भी नहीं है, 1 फीट भी नहीं है, तो ये क्या आप यहाँ पे अलाउ नहीं करोगे? आपको अलाउ करना है, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी ने आपको हायर इसीलिए किया है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए। आप जो थ्योरी पढ़ करके आए हो उसको अलग रखिए, बिकॉज हमारे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। और ये जो लेडर है नौसाद भाई, कितना ये 90 डिग्री पे इसको इंस्टॉल किया गया है। तो गाइज आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कितना डिफरेंस हो रहा है, कितना अंतर है हम जो थ्योरी पढ़ करके आए हैं और जो साइड पे देख रहे हैं। और देखो सब ये सर्टिफाइड है, सब पे आपको ग्रीन टैग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्कैफोल्डिंग के साथ साथ लेडर को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमको प्रैक्टिकली देखना है, ठीक है। मैं आपको और एक लेडर दिखाता हूँ गाइज, आप इस लेडर को भी देख लीजिए, ये भी 75 डिग्री पे ही इंस्टॉल किया गया है। और इसमें भी आपको मैं ग्रीन टैग दिखा देता हूँ, ये है ग्रीन टैग, जो कि वैलिडिटी, इसका मतलब होता है कि जो हमारा लेडर है ये सर्टिफाइड है, इसको इंस्पेक्ट किया गया है, ठीक है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन से, ओके। और आप देख सकते हो कि ये भी जो लेडर है टॉप फ्लोर से ज़्यादा नहीं निकला हुआ ऊपर। क्यों नहीं निकला हुआ? क्योंकि वहाँ पे एक्सेस नहीं है ना निकालने का। तो गाइस जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हम लोग को प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूशन में अभी क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ें तो बहुत कम बताई जा रही हैं, ठीक है, और वो लोग कंपेरिजन करता है कि ये फॉलो किया जाता है, वो फॉलो किया जाता है, लेकिन साइड में आने के बाद से पता चल रहा है कि क्या फॉलो हो रहा है। गाइज मैं जो बात बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो मैं दिखा रहा हूँ आप खुद देख रहे हो। गाइज मैं आपको कुछ और लेडर्स दिखाता हूँ। गाइज आप इस लेडर को देखिए, एफी लेडर लगा हुआ है, इसका एंगल 75 डिग्री है, ठीक है, और इसमें भी ग्रीन टैग लगा होगा, और इसमें भी ग्रीन टैग लगा हुआ है, देख लो आप।
तो गाइज एज एच एस सी पर्सन एज ए सेफ्टी पर्सन हम लोगों को क्या देखना रहता है, ये जो लेडर है ये लेडर फिक्स है कि नहीं, ये लेडर क्लैंप इसको बोलते हैं, लेडर क्लैंप से दोनों तरफ फिक्स होना चाहिए विथ अटैचमेंट, ठीक है। अगर देखिए गाइज वहाँ पे भी इसको अटैच किया गया है इसलिए, और इसके सपोर्ट में ये स्कैफोल्डिंग का पाइप दिया गया है, यहाँ पे एक ही है, हालांकि एक इधर भी होना चाहिए था साइड में ताकि इस लेडर को सपोर्ट मिले और लेडर कुछ काफ़ी हद तक अच्छा काम कर सके। तो गाइस हम लोग को यही देखना रहता है कि लेडर जो है लेडर क्लेम कैसा है, लेडर का कंडीशन कैसा है, इसका इंस्पेक्शन डेट है कि नहीं। देखिए गाइस ये हमारा इंस्पेक्शन स्टिकर है, ठीक है, जो कि ये मंथली यहाँ पे चेक होता है, ये हमारा कंपनी का पॉलिसी है कि मंथली वाइज इसको हम लोग चेक करें, तो इसको आप मंथली वाइज देखना है और हर महीने का कलर कोड अलग होता है, तो आपको यही देखना रहता है कि इसका फिजिकल कंडीशन कैसा है, इसका स्टिकर लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, इस पर ग्रीन टैग है कि नहीं है। ओके, अब जो आदमी चढ़ने जा रहा है, इस जो क्लाइंबिंग के लिए जा रहा है, तो उसका दो पैर एक हाथ इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, जिसको हम लोग थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है, और कोई चढ़ते समय कोई भी साथ में अपने सामान को कैरी ना करे किसी भी तरह का, ठीक है। अगर कुछ कैरी करना है तो उसके लिए कैरी बैग आता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो गाइस लेडर सेफ्टी के बारे में यही है कि जो प्रैक्टिकली है मैं आपको दिखाया बताया, ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और दिखाता हूँ। अभी ये जो स्कैफोल्डिंग है डिसमेंटलिंग हो रहा है, ठीक है, इस पर भी लेडर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, और यहाँ पे भी फिक्स किया गया है और इस पर भी स्टिकर है। अगर स्टिकर नहीं है तो आप अपने कंपनी से बोल सकते हो जो उसका ऑथोराइज पर्सन है, जिसके पास ऑथोरिटी है चेक करने का, ठीक है। तो गाइस दीज आर सम पॉइंट्स, दिस इज़ वेरी मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो गाइस जो चढ़ने का प्रॉपर तरीका होता है, देखिए, हाँ वो तरीका क्या होता है, इसमें क्लाइंबिंग करते समय, ठीक है, थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट है और उसमें हुक करते हुए ही चढ़ना है, और उतरने के समय भी सेम प्रोसेस रहेगा, आपको ऐसे ही हुक करके ही उतरना है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट। लेडर का फिजिकल तो गाइस टोटली क्या है, लेडर का फिजिकल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, लेडर कहीं से स्क्रैच या फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लेडर को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाना चाहिए। इसका खतरा क्या हो सकता है कि जो चढ़ते समय आदमी गिर सकता है, जिसको हम लोग फॉलो पर्सन बोलते हैं, ठीक है, लेडर क्या कर सकता है, फेलवर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर ये लेडर मेटल का है, अगर ये लेडर मेटल का है और किसी इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्टेड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक भी होने का चांसेस है, इसलिए गाइस हमारा जो लेडर है पक्का हमारा लेडर एल्युमिनियम का होना चाहिए, एल्युमिनियम का लेडर है ना, एल्युमिनियम का ही होना चाहिए, राइट। गाइस अगर इसमें कुछ आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओ, ठीक है, अगर कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल गिव यू, थैंक यू।